गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मोहन शर्मा किड्स क्लासेज। बच्चों, आज हम करते हैं कुछ क्वेश्चन जीके के। ये पॉलिटिकल से रिलेटेड जीके हैं, स्वीक से संबंधित है, किसी भी क्लास में आ सकते हैं। सभी बच्चों ने ये याद करने हैं, लिखने हैं और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी ये इसमें लिख दिया। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। ये आपको पता है। जो संविधान सभा का गठन कब हुआ था, संविधान सभा जो संविधान बनाया है उसके लिए एक सभा बनाई थी, वो कब बनाई गई थी, जुलाई 1946 में उसको बनाया गया था, ये भी हमने याद करना है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और थोड़े समय के लिए बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद जी, ठीक है ना। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद जी को चुना गया था। तो फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को ग्रहण किया गया था, यानी कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब ग्रहण किया गया था, 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो संविधान कब लागू हुआ था हमारा, 26 जनवरी 1950 को। संविधान को बनने में कितना समय लगा था, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। क्या समय लग गया था, कितना समय लग गया था, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन सही लगे थे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा में 389 सदस्य थे, ठीक है ना। जो जिन लोगों ने संविधान बनाया था, जिनकी सलाह ली गई थी, उसमें कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, भारत में किस तरह की सरकार पाई जाती है, संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। वर्तमान समय में भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान क्या होता है, संविधान क्या है भाई, संविधान नियमों तथा सिद्धांतों का समूह है। क्या है संविधान, जिसमें नियम है और सिद्धांत है। तो इन नियमों और सिद्धांतों से क्या होता है, जिनके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का गठन किया जाता है। शासन के नियमों द्वारा क्या किया जाता है, शासन के विभिन्न अंगों का गठन किया जाता है, सरकारें बनाई जाती है, तथा नागरिकों और राज्यों के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो नागरिकों और राज्यों के बीच में कैसे संबंध स्थापित किए जाते हैं, इनका काम कौन करता है, सिद्धांत करता है, संविधान करता है। महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब की थी, 1922 ईस्वी में की थी। महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1922 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की थी कि हम अपना संविधान बनाते हैं। संविधान सभा का अस्थायी तुरंत जब बनाया गया था, अध्यक्ष किसको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद जी को बनाया गया था, चुना गया था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन, पहली बैठक जो जब संविधान बन सभा बन गई उनके, ठीक है ना, सदस्यों की 389 सदस्यों की सभा बन गई, उनकी पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति, संविधान सभा ने फिर एक प्रारूप समिति बनाई थी, उसकी नियुक्ति कब हुई थी, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। तो संविधान सभा का बहिष्कार किया था किस, कौन सी पार्टी ने किया था, मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, उसमें शामिल नहीं हुए थे। बच्चों, ये थे 15 क्वेश्चन। आई होप दैट यू विल लर्न, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। ओके, बाय।